मसीहा को जन्म दिया मरियम। ओ ये मरियम अनमैरिड था, एंगेजमेंट हो गया था, मैरिज नहीं हो गया था वो मरियम। आप लोगों को जानता है सारा कहानी, लेकिन ये मरियम समाज में ओ बहुत ऐसा प्रॉब्लम उसको हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा से ये गर्भवती हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। लेकिन आने वाला लड़का जो जन्म होएगा उसका नाम भी वो पवित्र आत्मा बोला है, लेकिन ऐसा अनमैरिड एक लड़की प्रेग्नेंट हो गए तो अपने समाज में कितना बुरा 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 बोलेगा, बोलेगा ना, बिल्कुल बोलेगा। पति एंगेजमेंट हो गया था, पति भी सीक्रेट से उसको निकालने के लिए कोशिश किया है। परिवार में कितना भी बुरा हो गया, समाज में हो गया, अपना जिंदगी में हो गया, बहुत ही यीशु मसीह के लिए उसके लिए पेड़ दिया है, इसलिए बहुत कुछ सहन करना पड़ा, बहुत कुछ। किसके लिए? यीशु के लिए। ये क्या किया है? सुसाइड करने के लिए कोशिश नहीं किया, अबोर्ट करने के लिए, बच्चा को नहीं चाहिए, अबोर्ट करने के लिए कोशिश नहीं किया। वही जमान में भी ऐसा कुछ सुविधा होगा, कुछ भी नहीं किया। 6 महीना तक वो चुपचाप, अब पवित्र आत्मा मेरे को दिया है, मेरा देव अंदर पेट के अंदर एक मसीह आ गया, उसका नाम यीशु है, मैं कभी भी उसको खत्म नहीं करेगा। बहुत कष्ट उठाया, बहुत निंदा उठाया, इसके समय रो रो कर 6 महीना तक अपने माँ बाप के साथ घर में रहा। बाहर जाएगा तो लोग बोलने लगेगा, लेकिन ये क्या किया, एक निर्णय लिया, मैं कभी भी सत्यनाश नहीं करेगा, बच्चा को भी मेरे को भी, मैं ये करेगा, मैं प्रार्थना करने के लिए कहीं जाएगा। ऐसा मन में सोच के, इसका रिश्तेदार था एलिसबेत, एक वो पादरी का, एक प्रीस्ट का मिसेस था, रिश्तेदार भी है। वो 6 महीना प्रेग्नेंट लेडी इतना चल चल कर वो एलिसबेत का घर में पहुंच गया। आप लोग को मालूम है ना, पहुंचने के समय ये आपस में एक बहन को देखने के समय अपना कष्ट है, मैं इतना कष्ट उठाकर इधर आ गया, ऐसा ऐसा मैं प्रेग्नेंट है, वो पवित्र आत्मा ने ऐसा दिया है, दुनिया में कभी भी ऐसा कुछ बात नहीं होता है, लेकिन ऐसा ऐसा बोलने के लिए, शुरू करने के लिए अपना दुख इंसान को बोलने के लिए पगले ये एलिसबेत और मैं मरियम दोनों प्रार्थना के लिए बैठा था। तब तुरंत ये इतना दुख से आ गया, एलिसबेत को इंसान है वो भी, इतना मालूम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा एलिसबेत का अंदर आ गया, आके वो जोर जोर से भविष्यवाणी मरियम को बोला है। वो तभी वो समय उसका पेड़ में जो बच्चा है वो भी खिलने लगा, पवित्र आत्मा अंदर आ गया, मरियम को बोला सचमुच में एक पवित्र बहन है, मेरा अंदर आ गया वो मसीह है, वो ऐसा भविष्यवाणी बोला। बहनों, हमारा दुख के समय, आजकल दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ने के समय, दुख के समय, हर कष्ट के समय, वो गोसिप सुनने के समय, कोई भी सोचेगा अभी जीना नहीं है, मर जाएगा, सुसाइड कितना अभी बढ़ता है, कितना बच्चा ही अभी अभी नॉर्थ इंडिया में लड़की हो गई तो नहीं चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई अबोर्ट करता है, लेकिन कितना भी हो ये बहन वो पवित्र हालेलुया पवित्र परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए कितना भी कष्ट उठाया। आजकल हम उधर पेड़ में यीशु मसीहा को रेखने का वो मौका नहीं है, वो नहीं होएगा, फिर क्या करेगा? हमारा दिल प्रभु के लिए खोलना, हमारा दिल के अंदर यीशु मसीह आने का है, वो दिल में आएगा तो हम दूसरा को भी पवित्र परमेश्वर के बारे में बातचीत करेगा। इसलिए दिल में प्रभु वास किया है, दिल में प्रभु रहता है, इसलिए बहनों आप लोग मिलकर ऐसा प्रार्थना करता है, लेकिन आपस में अपना शेयर करना है कुछ ना कुछ बात, फिर भी कोई आपके साथ प्रार्थना के लिए आएगा तो पगले उसको पूछना नहीं, क्या है हस्बैंड का नाम, कि कुछ काम करता है,
सैलरी कितने मिलता है, घर कितना ले लिया है, बच्चा कितना, ये कुछ ऐसा बात पूछने के पगले आपका सामने आमने आपका घर में टेलीफोन में कोई भी आपके बात करने के समय आपका दुख क्या है पूछने के पहले पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा प्रभु सच्चाई में लेगा, लेकिन वो मेरे पूछेगा साथ रोजम्मा, सॉरी वो आपका म्यूट हो गया है। सर रोजमा हाँ या बेटा, आ गया लेकिन हमारे साथ तो कोई भी आएगा तो हम प्रार्थना करना, उसको छुपकारा मिलेगा, शांति मिलेगा। जो मरियम का ऐसा एलिजाबेथ के साथ आ गया, ऐसा नहीं वापस नहीं गया, वो तो खुशी से गया। बेगनुम हमारे साथ तो कोई भी आएगा तो हम प्रार्थना से उसको मजबूत करना, उसको स्ट्रोंग रखना, उसके लिए प्रार्थना करना। ऐसा यीशु मसीह का माँ मरियम ऐसा प्रॉब्लम के समय प्रार्थना के लिए गया है। वो रेफरेंस आप लोग लिखा ना सेकंड मरियम के लिए, बेथान्या गांव में एक स्त्री था मरियम, उसके घर में दूसरा एक बहन भी है एक भाई भी थे। लूक का चैप्टर 10 वर्स 39, लूका 10:39 सेकंड मरिया, बेथानिया गांव में ये कुमारिया, ये क्या किया है, ये बहन का क्वालिफिकेशन क्या है? यीशु मसीह अपना गांव में जाने के समय इसका घर में आ गया। यीशु मसीह आने के समय एक बहन है वो खाना बनाने के लिए किचन में गया है, भाई उधर नहीं है वो किधर गया है, लेकिन उधर का मरियम क्या किया है, मसीह के साथ बैठकर प्रार्थना किया है। अभी बहनों हमको भी ऐसा सब कुछ ऐसा प्रभु ने बुद्धि दिया है, अभी यीशु मसीह ऐसा एक आदमी जैसा हमारा घर आएगा नहीं है, आएगा नहीं आएगा, उसका चरणों पर हम बैठ कर वजन पढ़ना, बाइबल हमको दिया है, हर एक लैंग्वेज में बाइबल है, हर एक परिवार में बाइबल है, हर एक व्यक्ति व्यक्ति को भी बाइबल है। पहले पहले इतना बाइबल नहीं था, लेकिन अभी बच्चा को बाइबल देता है, हमारा बाइबल है, सबका बाइबल लेकर वो प्रभु का साथ हाल लिया, चरणों पर अपना घर में बैठ के दुआ करना है। वो करने के समय क्या है, आने वाला दिनों में क्या क्या दुख आने वाला है उधर सहन करने के लिए, तब ऐसे स्ट्रोंग रहने के लिए प्रभु शक्ति देगा। टाइम जो मिलता है तब आज आप लोग करता है ऐसा वजन से ऐसा चरणों में बैठना है, प्रभु से बात करना है। ये मरियम क्या किया, यीशु मसीह अपना घर आ गया, कितना भी काम पड़ा है कितना भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये मरियम प्रभु का हाल साथ में बैठकर वजन से पढ़ रहा है। वजन पढ़ना आवश्यक है। आप लोग भी पहले जब पढ़ने के समय बचपन का समय जवानों के टाइम बाइबल इतना पढ़ता नहीं होगा, लेकिन अभी प्रभु में आ गया बोर्न अगेन हो गया लेकिन पवित्र आत्मा से पाया, तब वजन पढ़ने के लिए प्रभु हमको शक्ति दिया सामर्थ्य दिया, लेकिन वजन पढ़ना, ये मरियम क्या किया, प्रभु के साथ बैठकर वजन पढ़ने के लिए वो किया। इसके बाद क्या हो गया, वजन अपना दिल में हो गया, इसके बाद हो गया उसका भाई मर गया है, तब भी सहन करने के लिए उसको कैसा कृपा दिया, वो पगले वजन पढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए इसका दुख का समय यीशु आ गया। बाइबल में एक वजन लिखा है यीशु आंसू पोछा है, बाइबल में एक ही जगह में लिखा है यीशु आंसू पोछा है, यीशु भी रोया, इसका परिवार में रोया, लेकिन हमारा रोना बंद करने के लिए यीशु अपना पास आएगा। तीसरा एक मरियम के बारे में, यीशु के पाव में इत्र डालने के लिए एक मरियम था, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना 12:3
मरियम मक्दलीनी, मक्दलीनी मरियम, योहन्ना 12:3। ये मरियम को बहुत बड़ा बीमारी था, शैतान बहुत उसको पकड़ा था। आप लोगों को मालूम है ना मरियम का, मक्दलीनी मरियम का बारे में, इसको भूत पकड़ा था। कितना भूत है? 7। यीशु मसीह प्रार्थना करके ये 7ों भूतों को निकाल दिया, ये फ्री हो गया। लेकिन ये यीशु मसीह किधर भी आता है उधर इत्र लेके जाता है। ये क्या किया? इत्र इसको पाव में डाल के अपने बालों से उसको सफाई किया है। यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ने के समय और रो रो कर यीशु जाने के समय ये लेडी साथ में गया। लेकिन इसके बाद यीशु का माँ, दूसरा कोई बहनों, यीशु मसीह का क्रूस के समय उधर जाने के समय भी ये लेडी था। लेकिन वो क्या किया? मैं वो प्यार किया है, मेरा इतना भूतों को निकाल दिया, मेरा समस्या में इतना मेरे को शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया है, मेरे को प्यार किया है। यीशु का प्यार कभी भी मरियम छोड़ा नहीं है। ये मरियम मक्दलीनी मरियम, वो यीशु का माँ के साथ भी, एक बेटा मरने के समय इसका माँ को कितना दुख होगा, इसका आमने सामने, उसका सामने, मम्मी का सामने उसको मारा है। लेकिन खून बहाकर ऐसा चलने के समय भी यीशु का मम्मी भी साथ ही साथ चल के गया, तभी भी ये मक्दलीनी मरियम साथ में था। वो क्रूस का उधर इसके बाद लास्ट में ये देखा है, उसको कब्रस्तान में डाल दिया। हमको मालूम है तीसरा दिन यीशु जी उठेगा करके एक प्रोफेसी था, लेकिन जो एकदम सुबह अंधेरा था, ये अंधेरा में एक लड़की ऐसा दौड़ के कब्रस्तान जाएगा तो क्या बोलेगा लोग, ये तो उसका पगले भी पागल थी, भूत है, अभी भी भूत है, अंधेरा में जाता है। लेकिन ये उसका प्यार ऐसा ही है, प्रभु यीशु मसीह का को किधर रखा है? मेरा यीशु को मार डाल दिया है, यीशु को कब्रस्तान में रखा है, मैं उसको गोदी में लेगा। 33 साल उम्र वाले जवान आदमी को मैं इधर गोदी में रखेगा, उसको किधर रखा है? उसको रखने का जगह देखे एकदम सुबह उधर गया है, तब किसी को भी देखा नहीं। ये रोने लगा, मेरा यीशु मसीह को कोई उठा के लेके गया, इसका बॉडी ऐसा गया, तब पवित्र आत्मा से दूदन उसका आ गया, एंजल आगे बोला वो इधर नहीं है। ये सुनकर जल्दी वो वापस आ गया उसका चेला के साथ, पतरस बाकी हालेलुया सारा चेला के साथ दौड़ दौड़ कर आके बोला, वो भाइयों अपना यीशु मसीह उधर नहीं है, वो जी उठाए, वो कब्रस्तान में ऐसा ऐसा हम जो डाल दिया उधर यीशु नहीं है। इसलिए एक बात है, वो नया नियम में सुसमाचार फर्स्ट बोलने वाली एक स्त्री है। ये कौन सा स्त्री? मग्दलीना मरियम आके ये गुड न्यूज बोला, यीशु मसीह इधर नहीं है। क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह दुनिया में आ गया, मर गया, जी उठा, पिता के पास गया, अभी आने वाला परमेश्वर है, ये सुसमाचार। ये बोलने के लिए बहनों आप लोग को प्रभु ने चुन लिया है, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग देश से, आप लोग ही एक जन को प्रभु ने चुन लिया। क्यों? ये सुसमाचार बोलने के लिए, ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए, दूसरा को शांति देने के लिए। ये मरियम नया नियम में फर्स्ट लेडी थी सुसमाचार बोलने वाली, कौन है? मग्दलीना मरियम। ओ ऐसे लिखा है योहन्ना का सुसमाचार 12:3। दूसरा एक रेफरेंस भी है योहन्ना 21:2, योहन्ना 20:1-2, मग्दलीना मरियम फर्स्ट ऐसा सुसमाचार बोलने वाली एक लड़की है। कोई भी चेलो नहीं है, कोई भी आत्मी लोग नहीं है, सुसमाचार बोलने वाली फर्स्ट लेडी मग्दलीना मरियम है।
अभी आप लोग लिखता है फोर्थ है। मार्कोस ऐसा एक नाम में एक आदमी है, उसका दूसरा एक नाम है योहन्ना। प्रेरितों का किताब 12:12, प्रेरितों 12:12। योहन्ना का मम्मा मरिया। बाद में वो रेफरेंस आप लोग पढ़ के ध्यान करना, पढ़ के सीखना। प्रेरितों 12:12, योहन्ना का मम्मी ये क्या किया है? अभी प्रभु का सेवकाई करने वाला पतरस, पतरस को दुश्मन लोग पकड़ के जेल में डाल दिया। आप लोग को कहा नहीं मालूम है, पतरस एक प्रभु का दास था, प्रचारक था, प्रीचर था, उसको जेल में डाल दिया। उसको भाई को जाको को वो तो तलवार से काट लिया है। ये बात सुनकर ये योहन्ना का माँ मरियम बहुत तरस खाया। कैसा भी पत्र उसको चुपकारा देना, ये जेल में जाके कैसा चुपकारा उसको देगा? आजकल है ना, पैसा लेके पुलिस को देगा, पैसा देके ऐसा पार्टी में देगा तो चुपकारा मिलता है। लेकिन वो इस जमाने में सुसमाचार बोलने की वजह से पत्र उसको जेल में डाल दिया है। याकूब को तलवार से मार दिया है, लेकिन लोग घबराहट हो गया, क्या करेगा? ये मरियम इतना ऐसा पावरफुल लेडी है, वो बोला समझ लोग आओ मेरा घर खोलेगा, इधर आके प्रार्थना करेगा। ऐसा योहन्ना का मम्मी ने क्या किया, उसका घर के अंदर प्रार्थना किया। वो प्रार्थना करने के समय पत्रोस को छुटकारा मिला। लेकिन बहनों, हम भी हमारा रिश्तेदार फैमिली में कोई भी ऐसा दुख में कष्ट में वो तो वो प्रॉब्लम हो गया तो आप लोग वो सहन करो, कोई बात नहीं, कभी मिलेगा, कभी शांति होएगा। ऐसा बोलने के पहले अपने घर खोल दो। बहन आप भी आओ, बहन आप भी आओ, हम मिलकर प्रार्थना करेगा हमारे भाई को, हमारे परिवार को, दूसरा परिवार को, इस सब छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना चाहिए। इसलिए बहनों, हम भी योहन्ना का मरकुस का मम्मी जैसा, मरियम जैसा प्रार्थना करेगा। इसलिए रोशन बाश का घर खोल दिया प्रार्थना के लिए। हमको मालूम है उसका घर खोल दिया है, एक हॉल पूरा ऐसा प्रार्थना करने के लिए लोग आता है, वो लोग उधर खाना खाता है, लोग विश्राम करता है। भविष्य में क्या हो गया, अपना परिवार इतना वो शहर में अनुग्रह पाया है, नौकरी के तौर पर, बच्चा के तौर पर। कितना भी लोगों को बच्चा नहीं है, आप सुनना, बच्चा नहीं है, उसको 3 बच्चा दिया है। कितना लोगों को लड़की चाहिए, लड़की नहीं है, इसको 2 लड़की दिया है। कितना बच्चा को, मेरे को भी लड़का नहीं है, मेरे को बहुत पसंद था एक लड़का चाहिए, उसको लड़का भी दिया है। मैं भी देखा है, मैं गोदी में रखा है इतना मोटा तगड़ा एक लड़का। लेकिन प्रभु के लिए हम घर खोलेगा, जरूर हमको प्रभु मानेगा। लेकिन पत्रस के लिए दूसरा भाई हालेलुया सोत्रम ऐसा कष्ट में था, तब ये मरियम अपने घर खोल के दिया है। इसका भविष्य क्या हो गया, पत्रस को छुटकारा मिला, अपना घर में आ गया, काकड़ आया वो ऐसा मिला दूसरा के लिए। अब ये ने मेरा बात सुनने वाला कोई भी, अपने भाई लोग, पापा मम्मी बहन, कोई भी परिवार का आत्मिक से आप लोग दुखी है, उसका छुटकारा के लिए, उसको मन फिराने के लिए, उसको दारू पीना छोड़ने के लिए, उसका फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप लोग जरूर ये वचन से प्रार्थना करो, ये वचन पढ़कर प्रार्थना करो, छुटकारा मिल जाएगा। जीसस नेम, छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनने वाला कोई भी ऐसा परेशानी में है, को प्रार्थना करो, छुटकारा मिलेगा। लेकिन गॉसिप पे बोलने वाला को नहीं है, कोई सीक्रेट में प्रेयर करने वाला को शेयर करो। बहन मेरी पति के लिए प्रार्थना करो, मेरे बेटा के लिए प्रार्थना करो। बहनों आजकल वेस्टर्न कंट्री में कितने वो बच्चा के लिए कितना लोग रोता है, बच्चा नहीं तो अच्छा है करके वह जो लोग बहुत लोग बोलता है, बच्चा के लिए रोता है, वो तो प्रभु से आगे जाता है, वो दारू पीता है, माँ बाप को मानता नहीं है, वो तो परेशानी में वो
परिवार होता है, ऐसा कोई भी होगा तो आप लोग प्रार्थना करना, उसको चुनकर अपने घर में बुलाओ, नहीं तो टेलीफोन में प्रार्थना करो, छुटकारा मिलेगा। योहन्ना का मादा ऐसा प्रार्थना किया है, छुटकारा मिला है। अपना घर खोलो प्रार्थना के लिए, कोई भी एक हफ्ते में एक महीना में घर में आके उसको साथ ही साथ बैठकर प्रे वो शेयर करो, दुख प्रार्थना करो, छुटकारा मिल जाएगा। फिफ्थ में एक रोमा चर्च में एक महिला थी, उसका नाम मरियम है। वो रोमियो का पत्री 16:6 है, रोमियो का पत्री 16:6 है। उधर एक रोमा चर्च में एक मरियम था, वो आवाज सुनाई होता है। ओके, रोमा से वो कलिसिया में एक सिस्टर थे, लेकिन प्रेरित पौलुस उसको अभिवादन करता है। प्रेरित पौलुस वो गांव में जाने के समय ये चर्च का ये लेडीज को अभिवादन करता है, क्योंकि ये संत लोग के लिए, प्रभु के लोग के लिए, पवित्र लोग के लिए बहुत सेवगाई किया है, बहुत कुछ सेवगाई किया, इसलिए छोटा सेंटेंस में लिखा है, लेकिन बात तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभिवादन पौलुस, प्रेरित पौलुस इतना बड़ा आदमी है, वो धन्यवाद करता है, अभिवादन करता है। लेकिन हम भी है ना, दूसरा कोई हमको कुछ मदद करेगा तो हम थैंक यू बोलेगा, है ना, थैंक यू बोलता है। लेकिन प्रभु के लिए कुछ करेगा तो प्रभु थैंक यू नहीं बोलेगा। लो, जो कुछ काम आप करता है प्रभु के लिए, एक ग्लास रिसर्ट पानी दे दो, वो भी प्रभु भूलेगा नहीं है। हम एक दिन प्रभु के साथ रहने के समय वो प्रभु के सामने हाल लिया, आपस में हाल लिया, हाल लिया, हमको हाले गिफ्ट देने के समय प्रभु बोलेगा, बहन एक दिन एक बहन तुम्हारा साथ रो रो कर आया, उसको हाले लिया, आंसू बजाकर आप प्रार्थना किया, इसलिए गिफ्ट है ये। आजकल हम दुनिया में रहता है, कितना भी प्रभु के लिए अच्छा काम करता है वो प्रभु भूलेगा नहीं। प्रेरित पौलुस ये मरियम को धन्यवाद के शब्द, अभिवंदन का शब्द बोलेगा तो प्रभु कितना अति है। लेकिन प्रभु का चर्च में, प्रभु का हालेलुया काम के लिए कितना भी करो ये, लेकिन प्रभु भूलेगा नहीं है। मेरी एक अनुभव है, मेरे को दो लड़की है, छोटी है, हम दिल्ली में रहने के समय हमारा चर्च 3 मंजिल मकान बन रहे, लेकिन तभी बहुत मिट्टी था चर्च में, खाले ले लोग आने के समय बेंच वो चेयर सब मिट्टी मिट्टी है, बहुत लोगों का काम उधर से चलता है। लेकिन ये मेरी लड़की, बेटी लड़की 7 साल है, छोटी को 4 साल है, 3 साल है, ये दोनों सैटरडे का दिन पूरा मिट्टी ऐसा झाड़ू मार के, कपड़ा ऐसा भिगो कर वो पोछा ये सारे करता था। लेकिन सुबह संडे अच्छा कपड़ा पहन के विश्वासी लोग आएगा, मिट्टी में नहीं बैठेगा, इतना छोटा उम्र में ये बहुत काम, फिर भी सैटरडे पूरा करेगा, फिर भी संडे मिट्टी होएगा करके, संडे और भी सुबह उठकर ऐसा करता था। मैं किचन में काम करता था, वो मेरा हस्बैंड बाइबल पढ़ता था, प्रचार करना है ना, बाइबल पढ़ना है, मैं खाना बनाएगा, ये दोनों सफाई कर देगा, तभी मैं कुछ याद में मेरा ये नहीं है, प्रभु इतना उसको देगा। लेकिन अभी करीबन 13-14 ईयर हो गया कनाडा में आके, ये नर्सिंग पढ़ा था, आरएन हो गया, उसका अच्छा घर प्रभु ने दिया, दो बच्चा भी दिया, ऐसा प्यार करने वाला एक पति दिया, ये सब प्रभु के लिए। वो ही दिन झाड़ू मारा चर्च, मिट्टी पोछ लिया, तब इसलिए प्रभु रोज रोज ये रो रो कर बोलेगा, उसको खाना नहीं देगा तो भी थोड़ा से खाना बनाएगा तो, तभी वो ही समय मेरे हमको प्रॉब्लम था वो फिनेंशियल, थोड़ा से खाना हो गया तो भी मैं खान में आराम से बोलेगा, बेटा दोपहर खाना थोड़ा कम है, वो बच्चा को दे दो मम्मी, मैं कहीं भी जाएगा एक कपड़ा लेके आएगा तो, इसका उम्र में कितना लड़कियां गए, उतना भी लड़कियां को भी पहनने को देगा। मैं बेटी वाली को पूछू, बेटी आपको एक ही फ्रॉक देगा, एक उसको देगा, दे दो मम्मी,
इसलिए अभी गिनने को नहीं होता इतना भी प्रभु ने कपड़ा दिया है, गिनने को नहीं होता है इतना भी प्रभु आशीष भी दिया है। कि लेकिन ये बहन ने क्या किया, चर्चों में बहुत तो सेवगाई किया। बहनों आप प्रभु के लिए कितना भी सेवगाई करता है, हजारों बात होता है सेवगाई। अभी ये बैठना भी प्रभु के लिए धन्यवाद है, वो भी प्रभु का सेवगाई है। लेकिन शांति से थोड़ा बात करे वो सेवगाई है, कपड़ा गिफ्ट दे दो वो सेवगाई है। मेरा एक हॉबी था, किधर भी राज्य में, बहुत सारे राज्य में गया था, लेकिन किधर भी राज्य में जाएगा, कंट्री में जाएगा, मैं बहुत सारा कपड़ा लेके आएगा। अभी भी मेरी लड़की बोलेगा तुमको कपड़ा का शौक है, लेकिन लेके आएगा चर्च में बांटेगा। एक बार में ऐसा बोलना है, घमंड बोल दिया, ऐसा बोल सोचना नहीं है। मैं सिंगापुर गया था, लेकिन 70 kg कपड़ा पगले में पार्सल किया है, 40 kg में लेके आया चर्चों में। 80 के ऊपर लोग था, सारे घर में बच्चा को, आदमी को, आंटी को ऐसा कपड़ा बांटा है। लेकिन वो सब नष्ट नहीं है, 5 पैसा भी बैग में डालने के लिए मैं रखा नहीं था। 20 हजार रुपये, हजार लाखों रुपये मिला था, 20 हजार रुपये बैग में डाल दिया। डालने के दूसरा दिन एक आदमी बोला मास्टर जी पैसा हो गए तो मेरे को कुछ मदद करो, मैं एडवांस दिया घर के लिए, वो तो चली जाएगा। तुम लोग हमारा हाथ में 20,000 रुपीज है, वो दिया है, लेकिन वापस में 1,000 1,500 इतना भी वो वापस किया है, 6,000 बाकी था। हम बोला नहीं चाहिए आप ले लो, लेकिन ये प्रभु के लिए किया है, लेकिन प्रभु इतना भी हमको वापस करेगा, ये दुनिया में रहने के समय भी देगा। हालेलुया स्तोत्र। ये बहन भी बहुत तो सेवगाई किया। आप खाना दे दो आपको खाना मिलेगा, कपड़ा दे दो कपड़ा मिलेगा, प्रार्थना करो आपके लिए प्रार्थना करेगा। लास्ट में एक बहन के लिए बारे में बोलेगा, क्लेओपा ऐसा एक भाई का पत्नी, ऐसा दो रेफरेंस में बोलेगा। यूहन्ना 1925, यूहन्ना 1925, मत्ती मत्ती Mark 27:56-61, ये सिस्ट है, लास्ट है। लेकिन क्लेओपा ऐसा करके एक बहन की पत्नी, ये क्या किया, ये यीशु मसीह मम्मी, यीशु मसीह का मम्मी मरियम का बहुत बड़ा दोस्त था। वो कष्ट के समय ये पीछे पीछे गया है, कितना जगह में, लास्ट में यीशु मसीह का क्रूस में चढ़ने के समय ये क्लेओपा का पत्नी मरियम भी साथ में था। ये दोनों रेफरेंस आप बाद में पढ़ने के समय, ये मत्ती में लिखा है दूसरा मरियम, ये दूसरा मरियम यही है, यूहन्ना 1925 में लिखा हुआ क्लेओपा का पत्नी कोई भी दुख में सहन करता है, यीशु मसीह का मम्मी को छोड़ के कहीं जाता नहीं है, साथ ही साथ गया है, कोई भी दुख सहन करता है, कोई भी दुख में जाता है, उसके साथ सहयोगी करके चलने के लिए ये प्रभु ने इस्तेमाल किया है। मरियम का साथ, इसका बेटा है लेकिन मसीह है, इसके साथ दुख के समय कितना भी बहन हो साथ ही साथ चल गया, साथ ही साथ प्रेयर किया है, साथ ही साथ तो बैठा है। आप सुनो, मैं इतना मरियम को बोला है, 6 पर्सन मरियम को, सबके पास अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन ये 6 क्वालिटी मुझे दे दो प्रभु, इसमें से एक जन का क्वालिटी मुझे दे दो, ऐसा प्रार्थना करो। हमारा ये जनरेशन में एक मरियम का वो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, 6 मरियम बाइबल न्यू टेस्टमेंट लिखा है, मुझे दे दो सुसमाचार बोलने के लिए, किसी के साथ ऐसा दुख में प्रार्थना करने के लिए,
सेवकाई प्रभु में करने के लिए, प्रभु का हाल लिया सोत्र संत लोग दुख करता है, सहन करता है, उसके साथ ही साथ बैठने के लिए, सुसमाचार सबको बोलने के लिए मेरे को शक्ति दी। ये सिक्स मरियम का क्वालिफिकेशन, ये मेरा सुनने वाला सारा बहन को यीशु मसीह का नाम में मैं अनुग्रह करते हूँ, उसको सबको दे दो। हालेलुया, मेरा वचन इधर समाप्त करती हूँ। आपका टाइम ज्यादा हो गया तो माफ करना, लेकिन आप भी ये सबको सिखाना, ये मरियम के बारे में सबको सिखाना, अलीना प्रचार करना ये इसके बारे में, ये बहनों कितना अच्छी है। हमारा नाम बोलेगा तो हमारे सासू माँ बोलेगा मेरा बहू बहू बच्ची अच्छी है, हस्बैंड बोलेगा वो मेरा बीवी बहुत अच्छी है, बच्चा बोलेगा मेरा माँ, ऐसा नहीं है। ये प्रभु के लिए इतना सेवकाई किया, छह बहनों के साथ आप भी सेवकाई करो, इसलिए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।